जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नई नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें NIH में वैकेंसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, तो इसमें क्या है MTS, LDC, स्टेनो एंड अदर पोस्ट जो है दी हुई। यहाँ पर 79 जो है वैकेंसी आपकी जो है, आपके फॉर्म स्टार्ट 5 मई से हो चुके हैं, 25 मई आपकी लास्ट डेट होने वाली है। वहीं एडमिट कार्ड आपके 28 मई को आ जाएंगे और डिक्लेरेशन आपका 18 जून को हो जाएगा। तो भर्ती बहुत ही जल्दी होने वाली है। स्किल टेस्ट की बात करें तो 22 जून से 1 जुलाई तक आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होने वाला है। तो यहाँ पे आपका जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये, SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है। फीमेल कैंडिडेट भी फ्री भर सकते हैं। वहीं आपकी एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम इसमें 50 है। प्रोफेसर के लिए आपका है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 28। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट जो है दी हुई है। मेडिकल ऑफिसर है, आप हर पद के लिए अलग अलग जो है आपकी दी हुई है। यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं, आपकी टोटल पोस्ट किस तरीके से दी गई है तो आप अपना वीडियो रोकने के बाद जो है देख सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो MTS के लिए 10th है आपका, MTS लेबोरेटरी, यहाँ पे देखिए फील्ड मैन है, अटेंडेंट है, तो बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। तो आप सारी वैकेंसी में देख सकते हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो आप क्वालिफिकेशन हमने आप चेक कर सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो यहाँ पे देखिए आपको मेडिकल ऑफिसर है, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर है, तो जितनी सारी पोस्ट है आपका अलग अलग यहाँ पर दी गई है। तो आप अपनी पोस्ट के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपका जो है क्या क्या है और इसमें क्या क्या जो है होने वाला है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस भी देख सकते हैं आपका, ये सारी चीज जो है दी हुई है। तो यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं, कलकत्ता, दिल्ली, कोलकाता, तो इस तरीके से आपके एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं। तो आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको क्या है रजिस्ट्रेशन, इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, तो रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेना है। और जैसे आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछता आपका एप्लीकेंट फुल नेम, तो यहाँ पे क्या आपका एप्लीकेंट फुल नेम क्या है वो आपको डालना होगा। नीचे पूछता आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपको सबसे पहले ईयर सिलेक्ट कर लेना है, एंड मंथ करना है, एंड आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है। वहीं आपका पूछता है ईमेल आईडी क्या है, तो आपको ईमेल आईडी डाल देना है, एंड ईमेल आईडी कन्फर्म कर देना है। उसका दिखाई देगा मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, एंड मोबाइल नंबर कन्फर्म कर देना है। तो मोबाइल नंबर कन्फर्म करेंगे उसका कैप्चा को दिखाया वो आपको डालना है, एंड सबमिट रजिस्ट्रेशन फोन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फोन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे पूछता आपका गार्जियन नेम, तो आपको फादर्स नेम यहाँ पर डाल देना है, एंड आपको नीचे मदर्स नेम डालना होगा। वहीं पूछता आपका जेंडर, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद आपका आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद पूछता है मैरिटल स्टेटस, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड सिलेक्ट कर लेंगे। वहीं आपका नेशनलिटी डालना, आपका नेशनलिटी कौन सा है। नीचे आपको दिखाई देगा कैटेगरी, जनरल OBC SC ST किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। एंड आपका जो यहाँ पर पूछता है एक्स सर्विसमैन है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपको जो भी आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी नहीं है तो आपको नन कर देना है। उसके बाद पूछता है अप्लाइंग फॉर, तो किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। सभी पद के लिए जो है सेम तरीके से है, सिर्फ क्वालिफिकेशन ही चेंज होने वाला है। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, आपका जो है जनरल ड्यूटी LDC के लिए है, तो किस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। एंड आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, आपका जो है आपका पेपर लेना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर शो हो जाएगी, एंड डिक्लेरेशन क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका एड्रेस, तो आपको एड्रेस में आपका विलेज कौन सा है वो आपको डालना होगा। तो आपको विलेज में एड्रेस आपका विलेज डाल देना है, एंड आपका पोस्ट कौन सा है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका राज्य, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो आपको डाल देना है, एंड यहाँ पर आपका पिन कोड आपको डालना होगा। उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस या आपका करेस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो करेस्पॉन्डिंग एड्रेस जहाँ पे आप फिलहाल रहते हैं, परमानेंट एड्रेस वो जो आपके मूल निवास और आधार कार्ड में होता है। अगर सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। वहीं आपका एग्जाम सेंटर आपको चूज कर लेना है, एंड सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे पूछता आपका टेंथ आपने किस बोर्ड से पास किया था, तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका आपने किस ईयर में पास किया था वो आपको डालना होगा, एंड सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो ऑल सब्जेक्ट जो भी थे वो आप अपना डाल देंगे। यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। परसेंटेज क्या था वो आपको डालना होगा, एंड वहीं पूछता आपका ट्वेल्थ का, तो ट्वेल्थ आपने किस बोर्ड से पास किया था वो आपको डालना होगा, किस ईयर में पास किया था वो आपको डाल देना है, सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो आपको डालना होगा। यहाँ पे आपका परसेंटेज डाल देना है। उसका कोई और क्वालिफिकेशन है तो आप क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा आपको खाली छोड़ देना है। उसका पूछा टाइपिंग स्पीड 30 बार प्रति मिनट है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अन्यथा आप खाली
छोड़ सकते हैं। उसका पूछता आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं, तो वर्क एक्सपीरियंस लगाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नेम, आपने किस कंपनी में काम किया है या कहाँ पे काम किया है, किस पद पे काम किया था, जॉब प्रोफाइल क्या था तुम्हारा, ये सारी चीजें। करंटली आप वर्किंग करते तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। कब से कब तक किया था, आपकी टोटल मंथली सैलरी कितनी थी वो आपको डालना होगा। अन्यथा क्या आपको सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जैसे आप सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या आपका फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे क्या फोटोग्राफ आपको नॉर्मली आपको जो है अच्छे से अपलोड करना है, एकदम लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए फोटोग्राफ, ज्यादा जो है निम्न क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। वहीं आपका कैंडिडेट सिग्नेचर है तो आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, एंड यहाँ पर टेंथ की मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है, एंड ट्वेल्थ की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी। उसका क्वालिफिकेशन जितनी भी आप यहाँ पर लगाएंगे वो आपको सारी चीज अपलोड करनी होगी। सेवन नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। एक बार फॉर्म को चेक कर लेना है, कोई गलती है तो आपको मॉडिफाई करना होगा। आपका फॉर्म बिल्कुल सही है तो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, एंड सबमिट करेंगे तो आपका ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट होकर आ जाएगा। प्रिंट को सेव कर लेना है, जहाँ कहीं भी आप अपना सेव कर सकते हैं। इसके बाद कि अदर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, नॉर्मली होम पेज पर जाएंगे तो आप उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन करेंगे, एंड दोबारा से यहाँ पर जो लॉगिन आईडी है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड साइन इन पे क्लिक कर देंगे। और जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आप किसी और पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन प्रोफेसर के लिए आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट सेलेक्ट करेंगे एंड आपको प्रोसीड कर देना है। वही सेम पोजीशन सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी, एंड सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, एंड आपको इसको नीचे कर लेना है। वही सेम प्रोसेस आपका यहाँ पर सिटी आपको दो मिल जाएंगे, तो आपको एग्जाम सिटी दो चूज कर लेनी है, एंड सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपका टेंथ किस बोर्ड से पास किया था, तो वो आपको डालना होगा। एंड आपका पूछता है अपना किस ईयर में पास किया था, वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको पूछता है आपका स्ट्रीम, तो आपका स्ट्रीम क्या था वो आपको डाल देना है, एंड परसेंटेज कितना था वो डालना है। एंड आपको पूछता है ट्वेल्थ किस बोर्ड से पास किया था वो आपको डालना है, किस ईयर में पास किया था वो आपको डाल देना है, एंड किस सब्जेक्ट से किया था वो आपको डालना होगा। परसेंटेज यहाँ पर आपको डाल देना है, एंड डिप्लोमा है, आईटीआई है, पीजी है, वो आपको डालना होगा, एंड किस यूनिवर्सिटी से वो आपको डाल देना है, एंड किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। एंड आपको पूछता है आपका कौन सी आपका जो है किससे है, सब्जेक्ट कौन सी थी, तो आपका जिस सब्जेक्ट से हो वो आपको डाल देना है, एंड परसेंटेज कितना था वो आपको डालना होगा, एंड पीजी है, मास्टर डिग्री है, ग्रेजुएशन है, जो भी आपके पास वो आप लगा सकते हैं। उसका क्या आपको सेवन कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन बोर्ड, यूनिवर्सिटी बोर्ड, इंस्टीट्यूट यहाँ पर मांगा गया है, तो यहाँ पे आपका जो चीज कंपलसरी है वो आपको देनी होगी। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन किस बोर्ड से पास किया था, किस ईयर में आपने पास किया है, एंड आपका सब्जेक्ट कौन सा था वो आपको डालना होगा, एंड परसेंटेज कितना था वो आपको डाल देना है, एंड सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करके देखेंगे। यहाँ पे पूछता है प्री इंटर मास्टर डिग्री, तो जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो आपको देनी होगी। ये देने के बाद आपको क्या है, सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको विशेष तरीके से आपको ध्यान रखना है, आपको कोई भी गलती नहीं करना है, तो आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से फिल करना होगा। यहाँ पे कोई गलती करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं करना है। एंड आपको पीजी किस इंस्टीट्यूट से पास किया था, यूनिवर्सिटी से, वो आपको डालना होगा, किस ईयर में पास किया वो आपको डालना होगा, एंड किस सब्जेक्ट से था वो डाल देना है, एंड परसेंटेज डालना होगा। सेवन नेक्स्ट करेंगे, सेम प्रोसेस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एंड आपका जाति प्रमाण पत्र, तो ये सारी चीजें जो है आपको अपलोड करनी होंगी। यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है, उसके बाद आपको दिखाई देगा आपका टेंथ की मार्कशीट, तो आपको टेंथ की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। वहीं आपका ट्वेल्थ की मार्कशीट भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद डिप्लोमा अपलोड करना होगा, एंड आपको ग्रेजुएशन अपलोड कर देनी है। ये सारी चीज अपलोड करना, आपका पीजी है तो पीजी अपलोड करना होगा, एंड सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका फॉर्म फिर से चेक करने के लिए आ गया, आपके एक बार फॉर्म चेक कर लेंगे, गलती है तो मॉडिफाई कर सकते हैं, अन्यथा क्या आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म आपने अप्लाई किए, तो और भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जितने चाहें अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे अप्लाई के बाद प्रिंट कर सकते हैं, एंड कोई भी फॉर्म और फिल करना है तो और भी फिल कर सकते हैं। तो ऐसा करता आपको वीडियो काफी पसंद आया और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।